वो डिफरेंस क्या है इन चीज का। अगर ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो यार आपके जो टॉपर फ्रेंड होगा 90 या 95 प्लस वाला और उसमें और आप पे कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड मार्क्स इन योर क्लास 10 मैथ एग्जाम बोर्ड। ठीक है, की हालचाल टेंथ वालों, तो आप सभी के मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि भैया मैथ्स के बारे में बताओ, मैथ्स के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, मैथ्स का सिलेबस कैसे करें, मैथ्स में कौन सी बुक करें, रेफरेंस कौन सी लें, ठीक है, मैथ्स को चैप्टर वाइज कैसे स्टार्ट करें कि जिससे हम क्लास टेंथ में एक मैथ में 95% स्कोर करें। और यार मैं आपको सारी बात इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। और जब भी आप क्लास टेंथ में आते हो तो आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो फोकस वाले जो होते हैं वो मैथ और साइंस ही होता है। तो आज हम पूरी बात करने वाले मैथ्स के बारे में, जिसमें मैं आपको मैथ्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा और जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि आपको कैसे चैप्टर करने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मूव करते हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या है। तो देखो मैथ्स का सिलेबस इतना टफ नहीं है, आपके मैथ्स में कुछ चुनिंदे चैप्टर हैं जो आपको मेनली फोकस्ड करने हैं अपने क्लास टेंथ मैथ में। ठीक है, देखो एक चैप्टर आएगा आपका सरफेस एरिया, एक चैप्टर आएगा आपका सर्कल, एक चैप्टर आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एक चैप्टर आएगा आपका ट्राइंगल। ठीक है, अगर आपने ये चारों चैप्टर अच्छे से कर लिए तो आपकी ये मान लो कि मैथ्स खत्म हो गई। अगर आपने ये चारों चैप्टर अच्छे से कर ले, सरफेस एरिया, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल, तो ये मानो कि मैथ्स खत्म हो गया, क्योंकि मैथ्स में क्लास टेंथ की मैथ्स में इन चार चैप्टर से अलग कोई ऐसा चैप्टर नहीं जो आपको टफ लगेगा। मैं सीरियसली बताऊं, अगर आप सारे चैप्टर को पढ़ोगे तो यू विल फील कि हाँ मुझे ये सारे चार चैप्टर टफ लग रहे हैं। तो अगर आपने ये चार चैप्टर ईजिली कर लिए, कवर कर लिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, मैं सीरियसली बताऊं। ठीक है, मैथ का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है आप सभी के मन में कि भैया मैथ का सिलेबस मैं कब तक ख़त्म कर दूं या मैथ का सिलेबस कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी 6 मंथ में आप अपना मैथ का सिलेबस ख़त्म कर दो कि जिससे आपको उसके बाद दोबारा एनसीईआरटी करने की ज़रूरत पड़े। उसके बाद आपको दोबारा एनसीईआरटी करो, क्योंकि दो बार एनसीईआरटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप क्लास टेंथ में हैं और अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ के लिए आपको दो बार एनसीईआरटी करनी बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भैया बुक्स कौन सी हो। देखो मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूँ एनसीईआरटी, ऑलवेज प्रीफर करता हूँ मैं कि यू शुड गो फ्रॉम एनसीईआरटी। बट काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि भैया रेफरेंस के बारे में बताओ, हमें रेफरेंस जरूर करनी है। तो यार मैं एक रेफरेंस के बारे में मैं बताता हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अपने खुद के एक्सपीरियंस और खुद के रिव्यू से मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ, ओसवाल की तरफ से एक मैथ का क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ है 2021-2022 सेशन। इसमें यार क्या क्या स्पेशल चीज़ है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो देखा जो ओसवाल का ये आपका क्वेश्चन बैंक है, इसमें सबसे पहली बात है कि आपको टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाएगी। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि भैया टॉपर्स कैसे लिखते हैं, हमें टॉपर्स के बारे में बताओ, टॉपर्स क्या क्या गलती करते हैं या फिर टॉपर्स क्या क्या चीज़ें करते हैं जो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाएगी। प्लस दूसरी चीज क्या है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कहीं बाहर ढूंढते हो, कहीं बाहर जाते हो, तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, सभी मिल जाएगा, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस यार इसमें आपको जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि फ्लो चार्ट है डायग्रामेटिकली में आपको मिल जाएगा। मतलब आपको ऐसे नहीं कि एक माइंड मैप मिल जाएगा, जैसे जैसे ये वाला चैप्टर कर लिया फर्स्ट चैप्टर, फिर एक फ्लो चार्ट बन जाएगा कि हाँ सेकंड चैप्टर, फिर हाँ इसके बाद थर्ड चैप्टर, तो एक फ्लो चार्ट फॉर्म में आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या इसमें क्या चीज़ खासियत मिलेगी, लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, प्लस आपको वेरी शॉर्ट शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, जो भी आप बोलते हो कि भैया ये कैसे करें, हम इसकी तैयारी कैसे करें, सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करें, तो इसमें आपको एवरी हर चीज़ मिल जाएगी। और इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं और अपनी क्लास टेंथ की शुरुआत से स्टार्टिंग कर सकते हैं ओसवाल की। ठीक है, तो मैंने भी अभी ये परचेज करा था और मैंने इसको रिव्यू करा है पूरा, जब भी मैं रिव्यू करके आपको बताया, तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू यार सीरियसली, और काफ़ी अच्छा ही सैम्पल पेपर है, टोपर आंसर शीट वगैरह इसमें सब मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया हमें चैप्टर वाइज तैयारी करनी चाहिए। यस बिल्कुल, देखो अब आप जब भी क्लास टेंथ के मैथ्स में मूव कर रहे हो तो यार सबसे पहले आपको रियल नंबर, पहला चैप्टर जो होगा रियल नंबर, उससे आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। ठीक है,
पहला चैप्टर से स्टार्टिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि क्लास टेंथ में क्या है, पहले चैप्टर से सारे चैप्टर्स आपके कनेक्टेड हैं। अगर पहला चैप्टर आपने कर लिया तो नेक्स्ट चैप्टर आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में गो थ्रू करवा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो रियल नंबर हो गया, पॉलीनोमियल होगा, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया आपका, और नेक्स्ट क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक, लाइंस, ट्राइंगल, सर्किल, कंस्ट्रक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। सो आई डोंट थिंक कि इसमें ऐसा कोई चैप्टर है जो इन चारों चैप्टर से टफ होगा, तो इसलिए मैंने चारों चैप्टर आपके शुरुआत में रख दिए हैं। और क्लास टेंथ का मैथ यार इतना टफ नहीं है, मैं सीरियसली आपको बताऊँ। देखो यार, एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, ठीक है, आपके फ्रेंड के नंबर आ जाते हैं 90 या 95, आपके नंबर आ जाते हैं 60 नंबर या 70 नंबर। ठीक है, देर इज़ अ डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस मिलेगा आपको। वो डिफरेंस क्या है, इन चीज़ का। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो यार आपके जो टॉपर फ्रेंड होगा 90 या 95 प्लस वाला, और उसमें और आप पे कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड मार्क्स इन योर क्लास टेंथ मैथ एग्जाम बोर्ड। ठीक है, तो सीरियसली यू गो थ्रू द सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस पे गो थ्रू करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बुक्स बाय करनी है। बुक्स आप यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी पर, मैंने आपको रेफरेंस भी बता दिया, आप रेफरेंस पे भी गो थ्रू कर सकते हो, लिंक बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चैप्टर वाइज हमें करना है, पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर है, उसके बाद हमें चैप्टर को आगे बढ़ाता जाना है। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास टेंथ के साइंस पर भी ऐसी वीडियो है बिल्कुल वेल डिफाइंड, तो मैं क्लास टेंथ के साइंस पर भी वीडियो ला दूंगा। फ्लो चार्ट शुड बी देयर, फ्लो चार्ट वे में हमें तैयारी करनी चाहिए। मैथ फ्लो चार्ट वे इन द सेंस कि हाँ, ये चैप्टर करना, फिर ये चैप्टर करना, फिर ये चैप्टर करना, फिर ये चैप्टर करना, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट बाय नेक्स्ट बाय हमें चैप्टर करते चले जाना है। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये वाले आपको जरूर करने चाहिए। और आपको ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में आपकी रेफरेंस से मिल जाएगी। तो यार आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो एक बार लाइक जरूर करें, और 1K लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे। और रेफरेंस आप बाय कर सकते हो, अच्छी बुक है रेफरेंस, मैंने खुद एनालाइज करी है। बाकी एनसीईआरटी जिनके पास है तो वो एनसीईआरटी से भी तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय।